नमस्कार, हर हर महादेव। आज एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र हूं और मैं आप लोगों को भूतिया कहानी सुना करके एंटरटेन करता हूं। दोस्तों, अगर कल का वीडियो आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसे सुजीत एक प्रेत के चक्कर में पड़ा, कैसे एक लड़की स्टेशन से उनके डिब्बे में घुस गई और उसके बाद में कैसे सुजीत उसमें फंस गया। और ये घटना के बाद में सुजीत ने जब देखा कि उस लड़की को कुछ लगा और वो गिर गया वहां पर, तो सुजीत दौड़ करके ट्रेन जब रुकी तो नीचे कूद जाते हैं और डिब्बा बदलने की कोशिश करते हैं, तभी ट्रेन चली जाती है और वो दूसरा डिब्बा पकड़ नहीं पाते हैं। इन शॉर्ट, ट्रेन उनसे छूट जाती है और वो घबराहट के मारे आगे की तरफ भागने की शुरुआत करते हैं, जिस तरफ ट्रेन जा रही थी। चांदनी रात थी और इनकी अचानक नजर जाती है दूर, काफी दूर से उन्हें कुछ उनके तरफ आता नजर आ रहा था और उन्हें वही गुनगुनाने की आवाज आने लगी। ये गुनगुनाहट की आवाज उन्हें आने लगी और वैसा ही नाच नाचती आकृति उन्हें दिखाई देने लगी। अब सुजीत काटो तो खून ना निकले, उस तरीके की सिचुएशन में पड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब वो रेलवे ट्रैक पर उस अंधेरी रात में बिल्कुल ही अकेले हैं, कोई नहीं है आसपास। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप होंगे अकेले तो आपकी क्या हालत होगी। आसपास झाड़ियां हैं, रेलवे ट्रैक पर वो खड़े हैं और सामने से वही लड़की आ रही है। अब इन्हें ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये मरी हुई लड़की नहीं है बल्कि ये प्रेत है। लड़की एकदम से सुजीत के पास आई और कहने लगी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करोगे, लेकिन तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और तुमने मुझसे धोखा किया। तुम ट्रेन से कूद गए। अगर तुमने मुझे मना किया तो मुझे मना करने वाले बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं। इतना कहने के बाद सुजीत जहां नजर करते वहीं उन्हें कोई ना कोई इंसान नजर आता, प्रेत नजर आता, जिनका चेहरा डिफॉर्म हुआ था, मतलब बिल्कुल ही विकृत तरीके से जिन्हें मारा गया हो तड़पा तड़पा कर, उस तरीके के खतरनाक चेहरे वाले हर जगह उन्हें वो प्रेत नजर आने लगे। उस चुड़ैल का, प्रेतनी का ये कहना था कि ये सारे के सारे उसी के मारे हुए हैं और वैसे ही हैं सुजीत, जिन लोगों ने उसे जवाब नहीं दिया था। अब सुधीर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, वो बिल्कुल पसीने पसीने हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। उनके ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अभी ही बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और वो खड़े हैं और उनके गोल 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 वो औरत घूमे जा रही है, बस गोल गोल घूमे जा रही है। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, ऐसा कहती हुई। क्या मैं अच्छी नहीं लगती, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस यही एक चीज रिपीटेटिवली बोले जा रही है और कुछ भी नहीं। और तभी अचानक से ट्रेन का हॉर्न बजा, बहुत जोर से हॉर्न बजा और जैसे सुजीत होश में आए हो और वैसे ही तुरंत ही ट्रैक से हट गए हैं, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल पीछे ही थी, वो ट्रैक से हट गए हैं और ट्रेन उनके पास से गुजरी और थोड़ा ही आगे जाकर के बीच में ही रुक गई है, वैसे ही जैसे उनकी ट्रेन रुकी थी। और सुजीत तुरंत ही दौड़ करके उस ट्रेन में चढ़ गए हैं। चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि डिब्बे में 7-8 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और
दो तीन मिनट में ट्रेन वहां से चल दी। अब ये ट्रेन क्यों रुकी थी ये नहीं पता, वैसे ही जैसे सुजीत की ट्रेन रुकी थी और जितनी देर में चली गई थी उतनी ही देर में ये ट्रेन भी वहां से निकल पड़ी। लेकिन अब डिब्बे में उन्हें वो प्रेतनी नजर नहीं आ रही थी। ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एक आदमी ने उन्हें पूछा भी कि भाई क्या हुआ तुमको और यहां तो यहां से कहां से तुमने ट्रेन पकड़ी, लेकिन सुजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक कोने में ऐसा कह सकते हैं कि सिहरे हुए कांपते हुए बैठे रहे। उनका स्टेशन आ गया और वहां से उतर के वो भाग करके अपने घर चले गए हैं। घर जाने के बाद में मिडनाइट में ही जब वो घर पहुंचे हैं, घर जाकर के उन्होंने सारी बात अपने पेरेंट्स से बताई है और दूसरे ही दिन सुबह अपने पेरेंट के साथ में वो मंदिर गए हैं। मंदिर में जाकर के पुजारी से कुछ धागा वगैरह उन्होंने बंधवाया है और उस इंसिडेंट के बाद इंद्रसेंस तभी से जब वो उस ट्रेन में चढ़ गए थे उसके बाद से उन्हें कभी भी वो लड़की दिखाई नहीं दी। लेकिन जो उनका डर था वो मंदिर जाने के बाद में एकदम से दूर हो गया क्योंकि अब उनको वो डर लगना भी बंद हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज अनुभव की है तो अनुभव का डर वो कभी जाता नहीं है। कभी भी वो से उस घटना को याद करते हैं तो कांप जाते हैं। और सच बताऊं तो मैं खुद अपने आप को उस चीज में इमेजिन करके अभी मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि बात सही है। अगर आप ट्रेन से कूद जाओ और किसी ट्रैक पर अकेले हो और आपको पता है कि आपके सामने ये सिचुएशन आ गई है तो आप क्या करोगे? वो ट्रेन कैसे आई उनके लिए तो वो ट्रेन एक संजीवनी के रूप में ही थी जो वहां पे आई और उसमें चढ़ करके बच गए। सुजीत जी कहते हैं कि उस तरीके की घटना उनके साथ में दोबारा कभी हुई नहीं। मैं भी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कभी भी दूसरी कोई लेट ट्रेन कभी नहीं पकड़ी है। अगर लेट हो जाते हैं तो फिर उस दिन आते ही नहीं थे घर, लेकिन लेट ट्रेन में कभी नहीं चढ़े हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी जान उस दिन बचाई थी। तो दोस्तों अगर आपको कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो ताबड़तोड़ लाइक जरूर कर देना और अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो मुझे जरूर से लिख भेजिए, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर पहला भाग आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।